हेलो रि स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस मीटर टेंथ कैसे हो आप सभी तो आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं आपका सेट थर्टी वन स्लैश फोर स्लैश टू हालांकि काफी क्वेश्चन सिमिलर ही हैं थर्टी वन स्लैश फोर स्लैश वन के तो आइए चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले डो नॉट फर्ग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाली आंसर कीज एंड वीडियोज आपकी मिस ना हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आय बिटवीन द रियक्टेंस इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके नेक्स्ट अड इज

प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इट इज एपसिसिक एसिड नेक्स्ट एन एक्वि सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड तो कौन सा होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को आप लेंगे इसमें बल ग्लो होगा नेक्स्ट कॉपर एंड सिल्वर दोनों फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं नेक्स्ट नाइन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं थ्री डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल में नेक्स्ट प्रोटीन्स का इन प्रोडक्ट होता है माइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ग्लूकोज फैट्स का होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट यहां पे बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स और एम मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेक्स्ट यहां पे इट विल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज नाइन बाई फोर इंटू टेन एट मीटर्स पर सेकेंड आपको लग रहा होगा मैं डायरेक्ट आंसर क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ आपके थर्टी वन स्लेश फोर स्लैश वन या थ्री जो भी मैंने इससे पहले डाला था सेट तो उसके अंदर अब सेम ही है तो मैं इसलिए फटाफट फट फट बता रहा हूं आपका टाइम ताकि वेस्ट ना हो अ बीम ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ रीजन ऑफ स्कैटर्ड इज ब्लू नेक्स्ट यहां ऑप्शन इज द राइट आंसर इट विल्स नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड जूल्स आएगा आई स्क्र टी आपको लगाना था अब आ जाओ असर्चन रीजन पे यहाँ पे ऑक्सीजन रीजन फॉल्स है आई मीन रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज दिस टोमेटा एट नाइट जी हाँ बिल्कुल सही बात है क्लोजिंग ऑफ हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम द लीज यस दिस इज एब्सुलूली करेक्ट क्योंकि दिन के टाइम भी फोटोसेंथिस होती है और उसी टाइम रिक्वायर्ड होता है रात के टाइम को यूज नहीं होता सो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दिस सल्फर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ और यस इट इज ट्रू रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इंटू मेटल्स This is false. नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर येस इफ दे इंटरसेक्ट येस दिस इज ऑल्सो रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन अब सेक्शन भी जल्दी से देख लेते हैं ये ए पार्ट मैंने वहाँ देखो सेम ही क्वेश्चन है कोई फर्क ही नहीं है आपके सेट में ज़्यादा ठीक है वो जो मैंने पिछला भी वीडियो डाला है डिटेल सल्यूशन आप वहाँ से जाके इसके डिटेल पा लेना मैं फटाफट अभी आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ इसके अंदर आपको जयलम के बारे में बताना है आपको बताने वैपोरेशन रूट प्रेशर आयन का कंसनट्रेशन डिफरेंस वो सब आप बताएंगे इसके अंदर आप होलोजोक के बारे में बताएंगे आप प्रॉपर बताएंगे इंजेस्ट फिर फूड वैक्यूल का बनना और फिर इजेशन यहां पे आपको प्रॉपरली बताना सोडियम कार्बोनेट जब लिया जाता है टू एम एल ऑफ डाइल्यूट एथेनोइक एसिड डाला जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है देखिए सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट बनता है सीओ टू बनता है पानी में वही आपको सब कुछ मेंशन करना है और जहाँ तक बात है प्रॉपर इक्वेशन की तो आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते क्या सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री सी एच थ्री सी ओ एच इज़ वॉट इथनो एक एसिड दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी ओ एन ए प्लस एच टू प्लस सी ओ टू तो गैस कौन सी लिबरेट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है इसको लाइम वाटर से पास करा दो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की क्योंकि सी ए सी ओ थ्री यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा आगे बढ़ते हैं वन ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड ओके तो कौन सी गैस निकल रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसको ड्राई से करेंगे कोई असर नहीं होगा वेट से करेंगे ब्लू रेड में हो जाएगा गैस की नेचर एसिडिक नेक्स्ट सब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड जो कि कोई भी एग्जांपल दे दो जिंक प्लस एच टू एस ओ फोर गिव जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैसे आप इसको आ, करोगे आ, इसकी टेस्ट इसकी प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करोगे बर्निंग मैच स्टिक लाओगे पॉप साउंड आएगा नेक्स्ट मेंडल क्रॉस पी प्लांट्स विद टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ओके डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक क्वेश्चन है ही ऑब्जर्व फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन वट द विच कॉम्बिनेशन वर न्यू जैसे कि एक आप बोल सकते हो राउंड ग्रीन एक नया कॉम्बिनेशन आया ठीक है आप बोल सकते हो रिंकल्ड येलो एक नया कॉम्बिनेशन रिंकल्ड ग्रीन तो चलो ऑलरेडी था है ना व राई द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द एक्सपेरिमेंट तो देखिए इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स पर ये बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट नेम द फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट अगेन द आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट राइट एंड इवेंट दैट वेयर दिस फिना कैन बी ऑब्जर्व्ड तो क्या हो, क्या हो सकता है तो आप बहुत सारे बता दो डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यू पेंट किया जाता है यू नो एंड स्काई का कलर ब्लू वो सब आप बता सकते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आइस स्क्वायेर आर टी हाउ इज़ दिस इफेक्ट यूजफुल आइ स्क्वायर आर टी पूरा बताना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हाउ इज़ दिस इफेक्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेर फ्यूज ओके तो जब फ्यूज़ को रेटिंग्स दी जाती है उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा मेल्ट होकर ब्रेक कर देगा सर्किट को एंड सर्किट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग डैमेज सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये सारे डिटेल सॉल्यूशंस मैंने पिछले सेट में डाल दिया वहाँ से जाके देख सकते हो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी से मैं आगे भी आंसर कीज डाल रहा हूँ ऑल द बेस्ट